This is big, big ripples after the India Today exit poll. The India Today exit poll, remember, had predicted a cliffhanger in Himachal Pradesh with a bit of an edge given to the Congress party. But now sources are telling India Today that the Congress is contemplating moving its MLAs to either Rajasthan or Chhattisgarh, both Congress-ruled states, after the results on December the 8th. The reason, as you can imagine, is pretty obvious. In the event of a hung house and a non-decisive verdict, the Congress appears to suggest that it may be vulnerable to poaching or its ranks being broken by the BJP, as has happened many times in the past. Satendra Chauhan is breaking the story live for us from Shimla. Satendar, kya ye ek plan hai Congress ka ki unke MLAs Shimla se ya Himachal se leke jayenge Rajasthan ya Chhattisgarh mein? देखिए शिव, जिस तरह के जो एग्जिट पोल आए हैं और उन एग्जिट पोल्स ने कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। देखिए, अगर भाजपा 34 तक पहुंचती है तो 4 से 8 निर्दलीय बनते हैं, और जो निर्दलीय हैं उनमें से ज्यादातर वो रेबल्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर्स थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस 30 से 40 के बीच में एग्जिट पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें आ सकती हैं। अगर ये सीटें 30 से 34 तक सिमट जाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में, या 35 भी रह जाती हैं तो ऐसी सिचुएशन में भाजपा फिर से पावरफुल हो जाती है, और कांग्रेस के पास अतीत के कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जब इस तरह के मैंडेट आने के बाद उनकी सरकार नहीं बन पाई। लिहाजा अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बोल नहीं रहा है, लेकिन अंदर के सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भूपेश बघेल को, क्योंकि हिमाचल का पर्यवेक्षक बनाया गया था, प्रभारी इंचार्ज बनाया गया था, लिहाजा चांसेज है कि छत्तीसगढ़ या फिर नियर बाई स्टेट राजस्थान, वहां पर एमएलएज को ले जाया जा सकता है और वहां पर उनको हॉर्स ट्रेडिंग से बचाने की कवायद कांग्रेस पार्टी शुरू कर सकती है। सत्येंद्र चौहान, थैंक यू वेरी मच। सुपर इंपॉर्टेंट स्टोरी, एंड दिस कम्स, रिमेंबर, जस्ट आवर्स आफ्टर द इंडिया टुडे एग्जिट पोल। दैट्स द काइंड ऑफ इंपैक्ट, दैट्स द काइंड ऑफ इंटेग्रिटी एंड रेप्यूटेशन दैट इंडिया टुडेज पॉलिटिकल रिपोर्टेज हैज।